अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू सेट स्टेशन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हाई वेस्ट स्टाइल की हरा मसाला कढ़ाई की रेसिपी लेकर आ रही हूँ। तो आज हम जल्दी जल्दी से बनाएंगे और देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं। सबसे पहले मैंने एक अच्छी सी कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने 1 किलो चिकन जिसको मैंने बहुत स्मॉल पीसेज में काट लिया था, इसको मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। इसमें कुछ मैं हरी मिर्चें डालूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और अच्छे से इसको मैं भूनूँगी। यहाँ पे मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर करूँगी ताकि जितना भी ये पानी है अच्छे से निकल जाए, ताकि हम इसको आगे अच्छे से भून सकें। यहाँ पर मैंने इसको 2 मिनट के लिए रखा था कवर करके और इसका सारा पानी चिकन का बाहर निकल गया है। साथ साथ में ये सॉफ्ट भी हो रही है, कुक भी हो रही है, क्योंकि आगे के प्रोसेस सारे इतने जल्दी जल्दी होने हैं कि आपको चिकन इसी टाइम पर गलाना होगा। अब यहाँ पर जब थोड़ा सा पानी रह गया है तो मैं अपने स्पाइसेस डालना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने डाल लिया है नमक। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको कुछ स्पाइसेस दिखाऊंगी, जिसमें डेसिकेटेड कोकोनट है, ये बिल्कुल स्किप मत करिएगा, भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया, वाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर है। डेसिकेटेड कोकोनट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें डालना, क्योंकि यही आपको एकदम बाहर सा टेस्ट देगी, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया तो मेरा फेवरेट है। अब यहाँ पे मैं आपको एक हरा मसाला दिखाने वाली हूँ, जिसमें मैंने लिया था, क्वांटिटी मैंने मेंशन कर दी है, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। और अब मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दूँगी इस कढ़ाई के अंदर। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मज़े की बनती है ये रेसिपी, क्योंकि आप देखें इसके मसाले कितने डिफरेंट है। उसके बाद इसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों का पेस्ट किया है, तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था और कुक किया था। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी अपनी थिक योगर्ट, इसको भी डाल के आपको अच्छे से पकाना है, अच्छे से भूनना है, ताकि सारा पानी जो है इसका खुश्क हो जाए। जाहिर सी बात है, जब दही डलता है तो पानी पानी हो जाता है सालन, तो आपको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पर देखिए मेरा सालन अच्छे से भुन चुका है, थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर आ गया है, तो मैं इसमें अब डाल रही हूँ, मेरे पास लाइट क्रीम थी तो मैं लाइट क्रीम डाल रही हूँ। अगर आपके पास थिक क्रीम है तो आप क्वांटिटी देख लीजिएगा, वो भी मैं मेंशन कर दूँगी कि कितनी डालनी है। आखिर में मैंने डाल दिया है इसमें कसूरी मेथी। अच्छे से जब आपका सालन थिक होना स्टार्ट हो जाए इस तरह से, तो आपको पता चल जाएगा कि ओके, अब मेरा सालन जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो ग्रेवी का तेल है वो ऊपर नहीं आता, तो ये टिप मैंने अपनी मामा से सीखी थी। चाहे कितना ही कम आपने ऑयल क्यों ना डाला हो, आप अपनी जो हीट है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दीजिए और ऊपर से इस तरीके से कवर कर दीजिए। थोड़ी सी देर के ही बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर किस तरीके से तेल आ गया है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको हम फिनिश करेंगे जिंजर जूलियन से। इसको और किसी गार्निश की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलिशियस हरा मसाला कढ़ाई इज़ रेडी टू बी सर्व्ड। ये बनाइए आप और इसको नान के साथ सर्व करिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप दुआएं देंगे मुझे कि ये कितनी मज़े की रेसिपी सिद्रा आपने मुझे दी है। इसके कुछ क्लिप्स इन्जॉय करें और इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और आप में से अभी तक बहुत सारे लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक। अल्लाह हाफिज़।